गुड मॉर्निंग क्लास के जी टू बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे दिस एंड दैट का यूज़। सो टेक आउट योर इंग्लिश बुक द स्कॉलर, ये वाली आपको बुक निकालनी है जो कल आपने जिसे पढ़ा था, द लिटिल स्कॉलर। ओके, सो टेक आउट दिस बुक द लिटिल स्कॉलर एंड ओपन पेज नंबर 30। तो बच्चों, आज हम लोग एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि एक बार आपको मैंने बताया, फिर मैं सोचती हूँ दोबारा आपको बता दूँ ताकि आपको ये अच्छे से लर्न हो जाए। हाँ, आप इसे अच्छे से समझ सके। और चलिए, आपने बुक निकाली और ओपन किया पेज नंबर 30। और बच्चों देखिए, ये वाली एक्सरसाइज में भी दिस एंड दैट का यूज़ आपको कल तो इसमें समझाया गया था, बट आज आपको ये देखिए, कल हम लोगों ने किया था ना ये यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, इसको हम लोग ने पढ़ा था और समझा था। तो आज आपको इसकी एक्सरसाइज करनी है और इसमें आपको ये करना है, फिल करना है दिस एंड दैट। हाँ, तो मैंने आपको बताया था जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं, नियर मीन्स पास में, जो नियर होते हैं उनके लिए हमको क्या यूज़ करना होता है, दिस का, THIS, दिस। दिस मीन्स यह। और जो दूर होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वह। वह बोलते हैं ना, वह लड़का है, तो इस तरह से जब वह बोलते हैं तो वहाँ पर दैट का यूज़ करते हैं, THAT, दैट। ये देखिए, दूर की चीज़ों के लिए फार, फार मीन्स होता है दूर, FAR, फार मीन्स क्या होता है, दूर। तो जो दूर की चीज़ें हैं उनके लिए हमको दैट का यूज़ करना है, और जो नियर है, नियर ऑब्जेक्ट पास में है आपके, उनके लिए दिस का यूज़ करना है। जैसे कि मेरे हाथ में पेंसिल है तो मैं कहूँगी इसे दिस इज अ पेंसिल। हाँ, क्योंकि ये मेरे पास है, मेरे हाथ में है, तो हमें यहाँ पर दिस का यूज़ करना होगा। और जो मुझसे दूर चीज़ें होंगी तो मैं वहाँ यूज़ करूँगी दैट का, THAT, दैट। तो चलिए, हम लोग इधर की जो पिक्चर है इस साइड की, इसमें आपको दिस का यूज़ करना है, और ये वाली जो इधर की पिक्चर है तो उनके लिए दैट का। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर गन है तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेते हैं दिस, THIS, दिस। दिस इज़ अ गन। एंड नेक्स्ट है इज़ अ लॉयन। हाँ, इज़ अ लॉयन, देखिए इस तरफ एरो बना है तो ये इसके लिए, लॉयन के लिए है, तो लॉयन हमसे दूर है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे दूर के लिए आप, दैट का, THAT, दैट, THAT, दैट। और फिर नेक्स्ट है बच्चों देखिए, इस तरफ एरो बना हुआ है, देखिए एरो किधर बना हुआ है, ये देखिए इधर, इधर पॉइंट कर रहा है ना, इज़ अ डॉल। तो यहाँ पर जब इस तरफ है पिक्चर और ये पास में है तो हमें यूज़ करना होगा दिस का, THIS, दिस। एंड देखिए एरो को, देखिए इस तरफ है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये इज़ अ बॉल, तो दैट, THAT, दैट। ये दैट यूज़ होगा दूर की चीज़ों के लिए, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए। फिर देखिए इधर ये एरो इधर है, जोकर को पॉइंट कर रहा है, तो दिस का यूज़ होगा। मैंने आपको बताया जो इस साइड पिक्चर्स बनी है उनके लिए दिस का, और जो इस साइड बनी है उनके लिए दैट का। तो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग दैट, दैट इज अ प्लेन, है ना, PLANE, प्लेन। ठीक है, एरोप्लेन है, और ये है जोकर, तो दिस इज अ जोकर। फिर नेक्स्ट है इधर देखिए, ये पॉइंट है कैट की तरफ, तो आप ये पॉइंट देख रहे हैं ना, एरो बना हुआ है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा दिस का, THIS, दिस। दिस इज अ कैट। और ये एलिफेंट, एलिफेंट के लिए इधर है, तो यहाँ पर हम लोग दैट का यूज़ करेंगे, THAT, दैट, दैट इज़ एन एलिफेंट। बच्चों आपको पता है ना, ए और एन का जो यूज़ मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ है, यहाँ भी ए का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर एन का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि जो
ई है ये क्या है, वॉवेल है ना। जहाँ पर वॉवेल होता है वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आपको हमेशा याद रखनी है। डैट इज एन एलिफेंट। ए ई आई ओ यू क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। और जो भी वर्ड्स वॉवेल से स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर वॉवेल होता है तो वहाँ पर एन का यूज़ हो जाता है, और कॉन्सोनेंट होता है अगर तो वहाँ ए का यूज़ होता है। दैट इज़ एन एलिफेंट। अब देखिए ये इधर पॉइंट है तो इसको दिस का यूज़ करते हैं, टी एच आई एस दिस। दिस इज़ अ सील, एस ई ए एल सील है ना, ये सील है। और ये आई थिंक ये फिश होती है बच्चों। और देखिए ये क्या है, बुक है तो टी एच ई टी दैट, टी एच ई टी दैट। बच्चों ये आज आपका कंप्लीट हो गया, आपका ये कोर्स हाफ ईयरली का कंप्लीट हो गया है। तो आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, आपको ये तो दिस एंड दैट का यूज़ समझा दिया, और इसके पहले मैंने इज आर एम का यूज़ भी पढ़ाया था आपको कि इज आर एम का। तो आपके जो हाफ ईयरली पोर्शन में है तो वो है साउंड्स वर्ड है, ए ई आई ओ यू, इनसे आपके रिलेटेड एक्सरसाइज आएगी, जो भी साउंड्स वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े थे तो उसमें एक्सरसाइजेस भी थी ना, आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स किया था, फिर उसके बाद वर्ड्स भी लिखे थे साउंड वर्ड्स, मैच द पिक्चर किया था। तो ये जितने भी हैं आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और जो आपकी ये वाली बुक थी ना, देखिए इम्प्रूव योर स्किल्स वाली, और इसके पहले भी मैंने आपको जब व्हाट्सएप के थ्रू भेजा था तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस भेजी थी व्हाट्सएप के थ्रू, साउंड ऑफ ए से रिलेटेड, फिर ई से और आई से, यहाँ तक हम लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा था, और फिर इसके आगे से हम लोग ये वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो उसमें मैंने आपको सारी एक्सरसाइज दी थी ना, वर्ड्स दिए थे साउंड ऑफ ए के वर्ड्स करने के लिए, और राइमिंग वर्ड भी दिया था। राइमिंग वर्ड्स जानते हैं ना आप, राइमिंग वर्ड्स क्या होता है, जो राइम करता है, जैसे कि एम ए टी मैट, तो मैट से ही कोई राइमिंग वर्ड जो राइम करे उसी से मैच करता हो, जब हम बोलें तो बिल्कुल उसी की साउंड आए, जैसे एम ए टी मैट, आर ए टी रैट, सी ए टी कैट। फिर अगर नेक्स्ट वर्ड लें तो एफ ए एन फैन, अगर हम बोल रहे हैं तो इसका राइमिंग क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह राइम बननी चाहिए, तो फैन, मैन, कैन, ऐसे हो सकता है। और इसी तरह अगर हम लोग कैप ले लें, सी ए पी कैप, तो कैप, कैप का क्या होगा, कैप, टैप, लैप, ऐसे होगा ना, कैप, टैप, लैप। तो बच्चों इस तरह ये राइमिंग वर्ड्स है। तो आपको जो भी एक्सरसाइज देखे इसमें जो भी करवाई गई थी साउंड ऑफ ए से, ये सारे वर्ड्स थे, इनको आपको पढ़ना होगा, और जो मिसिंग फिल इन द ब्लैंक्स, फिर मैच द पिक्चर, फिर पिक्चर के नाम भी, एक पिक्चर दी जाएगी उसके नाम भी आपको लिखने होंगे, और फिर क्या था आपको सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया था ना, वन एंड मैनी, वो भी आएगा, वन एंड मैनी भी आएगा, दिस एंड दैट का यूज़ आएगा। और फिर इसके बाद मैंने एक और साउंड वर्ड्स देखे, ए एन का यूज़ भी पढ़ाया था, तो ये भी आएगा, ये भी मैंने समझाया था आपको। और ये डबल, ये वाले जो थे डबल ओ साउंड वर्ड्स, डबल ई साउंड वर्ड्स, और फिर ए एन का यूज़, ये सब तो पढ़ा दिया था, ए एन का यूज़ ये आएगा, और ये भी समझाया था आपको इज आर एम, इज आर का यूज़ पढ़ाया था ना, इज आर का, तो ये भी आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से, कहाँ पे इसका यूज़ करना है, कहाँ पे आर का यूज़ करना है। ये वाला जो वीडियो मैंने दिया था आप लोग एक बार उसको फिर से देखिएगा और उसको फिर से समझिएगा। हाँ, और फिर ये सी एच साउंड वर्ड्स ये भी कराए थे, ये भी आपको पढ़ने हैं, एस एच, हाँ, वन एंड मैनी ये कर चुके हम लोग, पढ़ चुके हैं, तो अपोजिट्स मैंने नहीं दिया है। और फिर इसके बाद है दिस एंड दैट का यूज़, ये हम लोगों ने कर लिया,
तो बच्चों ये आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। बस मुझे आपको एक चीज़ और करानी है, वो है कि 5 लाइन्स आपको पेट डॉग के बारे में लिखना है। जैसे कि आपको कोई डॉग है जो आपके घर पे, तो उसके बारे में 5 लाइन्स लिखनी है, तो वो मैं लिख कर दे दूँगी। ओके ओके, बाय बच्चों।